किसी किस्म की कोई साइड इफेक्ट इसका नहीं है। तो लेवल फिफ्थ, अब आप आ गए, आपका सवाल था लेवल फिफ्थ में क्रोनिक डिजीज का इलाज होता है, फालज जैसे बीमारियों का इलाज होता है, फालज जैसे बीमारियों का इलाज होता है, कैंसर जैसे बीमारियां क्योर हुई है, मेरे स्टूडेंट ने किए, आप आए, आप कभी आए रिकॉर्ड करें हमारे स्टूडेंट के जो वो है, जो उनके जो एक एक्सपीरियंसेस है, जो हकायक है, क्योंकि मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी बात है, ये हमारे वर्षा है, ये हमारे मुल्क का एक वर्षा है, मुझे लोगों को अप्रिशिएट करनी चाहिए और ज़्यादा मीडिया वालों को मुझे आगे बढ़ाने चाहिए। तो यही इंसानियत है और यही एक मुल्क का खिदमत है कि एक एक ऐसी चीज़ मैंने खुद इंट्रोड्यूस कराया फर्स्ट टाइम दुनिया में कि उससे क्रोनिक डिजीज़ का इलाज होती है। अगर मेडिकली कोई इतना सा कोई चीज़ भी इजाद करे छोटे सी चीज़ के, बोला कि सर दर्द वैसे ही ठीक हो जाता है, तो वो पूरी दुनिया में फैल जाता है। बड़ी बड़ी न्यूज़ चैनल जो है ना उसको देते हैं, अच्छा फलां साइंसदान ने ये किया था और मैं यहाँ पर बैठा हुआ, मेरे से कोई नहीं पूछते। यही होता है हमारे, यही होता है एक माशरे का, जो उसके अंदर जो एक्सपर्टीज है जो लोगों का, वो नहीं जानते यार ये है क्या, ये शख्स इनकी कितनी अहमियत है इस मुल्क के लिए, कितना अहम है ये, कितना अहम इस मुल्क का एक हिस्सा है, ये अगर नहीं समझता है तो वही माशरा जवाल का शिकार होता है, वही माशरा जो है ना नीचे जाता है, वही गुर्बत का होते हैं, क्योंकि वो अपने साहितों को इस्तेमाल करने की कोशिश नहीं करते। बिल्कुल, कई दफ़ा ये होता है कि हम लोग हमारे मुल्क में जो लोग मौजूद हैं जिनके पास इतनी ज़्यादा एबिलिटीज़ है उनको हम थोड़ा सा साइड पे कर देते हैं, फिर वही लोग कहते हैं चलो जी नेबरिंग कंट्री में जाके या कहीं आउट ऑफ कंट्री जाके हम अपनी इस एक्सपर्टीज़ को काम में लाएँ और उन लोगों को फिर कैप्चर करना शुरू हो जाते हैं। लेकिन ज़रूरत तो हमें है आपस में, अगर हम अपने लोगों को फोकस नहीं करेंगे, अगर हम उनको साइड पे कर देंगे, अगर हम ये नहीं जानेंगे कि वो हमें क्या फ़ायदा दे सकते हैं, हमें उनसे क्या हासिल हो सकता है, तो देखिए फिर फायदा बहुत नहीं से हो सकता। मेरी तरह बहुत से लोग जी हैं हाँ बिल्कुल पाकिस्तान में बिल्कुल कि वो बेचारा बैठे हुए हैं साइड पे और उनको कोई ऐसा कोई उसकी जो एक्सपर्टीज जितनी भी है, बस हम जो है ना ज़्यादा उस पर फोकस करते हैं कि बस, यानी हम हमें सबसे ज़्यादा फोकस एजुकेशन पे करनी चाहिए। अगर एजुकेशन आपकी सही है, आपके मुल्क की एजुकेशन सही है, एजुकेशन इदारियों को हमें अप्रिशिएट करनी चाहिए, ना कि डाउन करने की कोशिश करें। जो एजुकेशनिस्ट है, जो लोगों को सिखाते हैं कि अख्लाक सिखाते हैं, इंसानियत सिखाते हैं, अपने सलाहियतों को इस्तेमाल करना सिखाते हैं, और वो मछली खिलाता नहीं है, मछली पकड़ना सिखाते हैं, जो उनको वो ताकतवर इंसान बनाता है कि आप कुछ है, आप इंडिपेंडेंटली आप सारे कुछ कर सकते हैं, आप अपने तौर से अपने ज़िंदगी को बेहतर कर सकते हैं, किसी के इत्याज मोहताज नहीं है। अल्लाह ताला ने आपको सबसे ताकतवर इंसान इसलिए, ताकतवर मखलूक इसलिए बनाए हैं कि आप अपने तौर पे कुछ करें, किसी का इत्याज मोहताज ना हो, किसी दूसरी कंट्री का, किसी दूसरे अकवाम का। अगर आप दूसरे अकवाम को फॉलो करते हैं तो आपको अपने मुल्क का, अपने मुल्क की ज़बान को, अपने मुल्क के जज्बों को, अपने मुल्क के लोगों को डाउन कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि आप उनको और ज़्यादा डाउन कर लें, उनके डाउन करने की कोशिश करें, तो मुल्क में क्या रहेगा, क्या इंसानियत रहेगा, क्या आप बताएं उस तरह मुल्क कैसे आगे जा सकता है। ये मुमकिन हो नहीं सकेगा बिल्कुल भी, जब तक हमने एजुकेशन पे फोकस नहीं किया और जब तक हमने हेल्थ पे सबसे फर्स्ट पे एक माशरा को जो आगे बढ़ते हैं, सबसे फर्स्ट पे हेल्थ है, दूसरे नंबर पे है एजुकेशन। तो ये दो चीज़ें जो है वो मेरे एक्सपर्टीज़ है और मेरे साथ मेरा मेरा ये मेरा यानी एक राइट है कि आप भी मेरे साथ देना है, कोई भी मेरे साथ देने चाहिए उनको, और किसी भी ऐसे इदारे के साथ देने चाहिए बिल्कुल आगे बढ़ाने चाहिए। डॉक्टर साहब, खुर्रम की ईमेल है हमें और जानना चाहते हैं कि आप इस समुदाय पर कितनी बुक्स लिखी हैं। जी समुदाय पे मैंने काफ़ी, एक तो मैंने किताब लिखी है जो शफाई तवाना का पोशीदा दुनिया, और उसमें है दी की एंड दुनिया की ताकतवर हीलिंग एनर्जी समुदा, रिकी और दुनिया की ताकतवर हीलिंग एनर्जी समुदा। तो दुनिया की ताकतवर हीलिंग एनर्जी समुदा इज़ द मोस्ट पावरफुल हीलिंग एनर्जी इन द वर्ल्ड, ये खुद जो है ना रिकी मास्टर्स कहते हैं कि ये ताकतवर है और इससे इनकार नहीं किया जा सकता है।
मैं जितना भी बोलूंगा कि कैसे या किस तरह की है, या कोई भी बोलने की से इनकार नहीं किया जा, क्योंकि इसमें आपकी जितनी भी रीति मास्टर वो ग्रैंड मास्टर होप्स है जो अग्रीमेंट है वो ऑटोमेटिकली हो जाता है। तो ये आपने अपना कारकर्दगी खुद दिखाते हैं। तो समझा पे मैंने एक बड़ा जखीम किताब लिखी है जो तकरीबन 355 सफ़ात का है, और एक और किताब है समदा हिलिंग एनर्जी, ये दो बुक्स हो गए, और मावराय उलूम का खुलासा और अमल, पैरानॉर्मल साइंस उसमें भी समदा के जिक्र हैं, और डिप्रेशन का जदीद तरीक़ा इलाज जो मैंने बुक लिखी है, एक बेहतरीन किताब है, और इसलिए मैं समझता हूँ मुझे अवार्ड भी मिलने चाहिए, नहीं बिल्कुल आपने यहाँ पर बल्कि शो ऑफ चैनल की किया तरफ से भी मिलना चाहिए। चैनल के बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया कि मैं आजकल मकसद बिजनेस क्लास पर बैठा हूँ, और इनकी टीम का और इन सब इनके मैनेजमेंट का, आपका मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग मेरे साथ कुछ दे रहे हैं, और मुझे इससे बहुत खुशी है। और यही होते हैं असल काम, ये असल के आपने एक एक्सपर्ट को जान लिए, आपने एक शख्स को जान लिए और उनको आपने सामने लाया दुनिया के सामने कि आपने क्या है वो क्या सलाहियतें हैं, और मेरी सलाहियतों को आप लोगों के साथ शेयर करें, तो ये सबसे बड़ी बात है। तो मैंने बहुत सारी बुक्स लिखी है इस पर, जी और डॉक्टर साहब, और आप जो आपकी बुक्स हैं इनके बारे में बहुत से लोग जानना चाह रहे थे, तो अच्छा हुआ कि आपने अनाउंस भी कर दिया नाम, और बहुत बहुत शुक्रिया आज जो आपने अपनी सारी वैल्यूबल थॉट्स हमारे साथ शेयर की, मुझे बहुत अच्छा लगा। आई होप कि हमारे नाजरीन को भी बहुत अच्छा लगा, हमारे जो व्यूवर्स स्पेशली जो आपके सेगमेंट को बहुत पसंद बिल्कुल करते सही। हैं। अच्छा इसका रिस्क 1 मिनट मुझे इजाज़त जी दे जी सकते जी हैं? बिल्कुल एक बिल्कुल डॉक्टर, अच्छा सॉरी, इसका एक दूसरा जो है ना समदार 6 में जो है उसमें मेडिटेशन है, आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंसेस है, और उसमें हेल्प ऑफ सुपर नेचुरल फोर्सेस है, और वो डिस्टेंट फास्टर हीलिंग एनर्जी है, और एक इंटेलिजेंट एनर्जी है, बहुत ज़बरदस्त ये जो पूरा लेवल 6 है डॉक्टर, इसको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में डिटेल में कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि बहुत से अच्छा लोग आए ठीक होंगे जानना चाह रहे होंगे कि डिटेल से, में इसमें क्या क्या होगा। सेवन और एट लेवल बिल्कुल, एट इससे हम इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे अपने इसमें नेक्स्ट शो जल्दी में। अमराज का भी इलाज है, आप जी अपनी बिल्कुल खूबसूरती भी बढ़ा सकते हैं, बिल्कुल स्मार्टनेस भी है अपने, थोड़ी सी हम रखते हैं ना क्यूरियोसिटी, हमारा पूरा वीक जो हमारे व्यूवर से जरा सोचेंगे कि 6, 7 और 8 में क्या सही है, है और जो आपने ये टिप दे दी है ना कि स्किन और हेयर, तो अब तो सारी खवातीन भी मुझे लगता है कि बड़े ही कोई उससे बचेंगी इंशाल्लाह नेक्स्ट और टाइम। अभी क्या मैंने सुने लेवल 1 और सीधी तफसील से नहीं बताया, तो जी अगले लेवल्स में ज़रूर बताएंगे और जिससे फ़ायदा उठाएंगे। जी हाँ बिल्कुल, थैंक यू सो वेरी मच।